रेंगकर चलने वाली इल्ली उड़ने वाली तितली का बाल रूप भला कैसे हो सकती है? एक ही जीवन काल के दो रूपों में इतना अंतर? इस बात का जवाब जानने के लिए समझना होगा कीटों का अनोखा जीवन। यही है आज का विषय, कीटों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। चाहे कोई भी कीट हो, हर एक का जीवन अंडे से ही शुरू होता है। हमें मिली पत्तों पर अंडा देती ये वाली स्वॉलोटेल तितली। तितली के अंडों में से कुछ दिन बाद बाहर निकलती हैं नन्ही इल्लियां, मतलब कैटरपिलर्स। इल्लियां अंडे के छिलके को खाकर ही बाहर आती हैं और बाहर आने पर वे लगातार खाती और बढ़ती रहती हैं। बढ़ने की प्रक्रिया में हर इल्ली को 4-5 बार अपना बाहरी छिलका उतारना ही पड़ता है। छिलका उतारने की प्रक्रिया को इंग्लिश में मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग के बिना वो बड़ी हो ही नहीं सकती। इल्ली अवस्था में पूरा विकास होने के बाद खाना बंद और जीवन की अगली अवस्था में जाने की तैयारी। अब विकसित इल्ली एक सुरक्षित जगह ढूंढकर इस तरह धागा बनाकर अपने को उसमें लपेट लेती है। इल्ली की जगह अब कोश, इंग्लिश में प्यूपा। यही है तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था। इस अवस्था में वो ना तो चलेगी फिरेगी, ना ही कुछ खाएगी। कुछ दिन बाद कोश का रंग बदलने लगा है। कुछ तितलियों के कोश तो पारदर्शी भी हो जाते हैं। और फिर होता है कुछ अनोखा। कोश फटता है और बाहर आती है तितली। अब वो व्यस्क है, उसका विकास पूरा हो चुका है। तो इस तरह तितली और पतंगों के जीवन की कुल चार अवस्थाएं, अंडा, इल्ली, कोश और व्यस्क। बीटल्स, मक्खियां, मच्छर और पतंगों का विकास भी ऐसे ही चार अवस्थाओं में होता है। हम तो जानते हैं कि सिल्क मॉथ यानी रेशम देने वाला पतंगा भी कीट है। बताइए, उसके जीवन चक्र की कौन सी अवस्था से हमें रेशम मिलता होगा? कुछ कीट ऐसे भी हैं जिनके जीवन में केवल तीन चरण, पहले अंडा एग, फिर अर्भक मतलब निम्फ और तीसरा चरण व्यस्क मतलब अडल्ट। ये वो कीट हैं जिनके जीवन चक्र में कोश रूप नहीं पाया जाता। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, टिड्डे मतलब ग्रास हॉपर्स और ड्रैगन फ्लाइज। इन कीटों का जीवन चक्र तीन चरण वाला ही होता है। आप भी पता करें कि आपके आसपास ऐसे और कौन से कीट हैं। इस तरह कीटों के जीवन चक्र में होता है रूपांतरण। रूपांतरण को इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटा मतलब बदलना और मॉर्फ का अर्थ है रूप, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस का अर्थ हुआ रूपांतरण। चार चरण वाले जीवन चक्र में बाल रूप यानी इल्ली और व्यस्क दिखने में और खान पान के तरीकों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण रूपांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन तीन अवस्था वाले जीवन चक्र में बाल रूप यानी निम्फ रूप व्यस्क मतलब अडल्ट रूप से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे कहते हैं अपूर्ण रूपांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब आपके लिए काम, अपने आसपास कीटों के जीवन चक्र की अवस्थाएं ढूंढें। तीन चरण और चार चरण वाले एक एक जीवन चक्र का पूरा अभ्यास करें, उनकी अवस्थाओं की फोटो लें और हो सके तो वीडियो भी बनाएं और सबके साथ शेयर भी करें।